दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है। वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। चुनाव का माहौल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कल राजस्थान सरकार ने बजट के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया है। लेकिन चलिए एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको ले चलता हूं। खबर है लैटरल एंट्री का। लैटरल एंट्री मतलब क्या? लैटरल एंट्री मतलब ब्यूरोक्रेसी का निजीकरण। उत्तर प्रदेश से एक और प्रपोजल आया है। क्या सोचना यह है कि चुनाव के समय सरकार इस तरह के प्रपोजल को अफोर्ड कर सकती है? उत्तर प्रदेश से ही खबर है कि पीएसी जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है उत्तर प्रदेश की, उसमें भी लैटरल एंट्री लागू करने जा रही है। लैटरल एंट्री का मतलब है कि निजीकरण ब्यूरोक्रेसी का, और उसमें किसी तरह का रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर से लोग हायर किए जाएंगे। चलिए क्या है प्रपोजल और लैटरल एंट्री का इतिहास क्या है, इस बात को समझने की कोशिश इस एपिसोड में करता हूं। चलिए अब शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार 31 व्यक्तियों को यूपीएससी परीक्षा के बिना सीधे नियुक्ति दी लैटरल एंट्री के द्वारा। तब चर्चा में आया था। दरअसल लैटरल एंट्री सिस्टम वो होता है जिसमें बैक डोर से एंट्री कराई जाती है। प्राइवेट सेक्टर में 15 साल तक काम कर चुके विषय विशेषज्ञों को उप सचिव से लेकर संयुक्त सचिव तक बनाया गया था। प्रशासनिक आयोग के रिकमेंडेशंस के बाद ही लैटरल एंट्री सिस्टम लागू किया गया था। इसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि नौकरशाही व्यवस्था को सुधारने के लिए लैटरल एंट्री सिस्टम जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम संसद में कह चुके हैं कि पूरा देश बाबुओं, बाबुओं मतलब आईएएस ऑफिसर के भरोसे चल रहा है। विशेष विशेषज्ञता नहीं होने के बाद भी केवल एक एग्जाम अर्थात यूपीएससी क्लियर कर लेने पर लोग रेल हवाई जहाज भेल चला रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था कि आईएएस का एग्जाम पास करने के बाद वही एक व्यक्ति वो स्टील कंपनी स्टील मिनिस्ट्री भी चला रहा है, हवाई जहाज भी चला रहा है, तमाम जो टेक्निकल चीजें उसको चला रहा है, इसलिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है। तो क्या सरकार में इतने फंड्स नहीं है कि उन लोगों को उसमें ट्रेनिंग दी जाए? नहीं। चलिए बहरहाल आगे चलते हैं कि आखिर लैटरल एंट्री सिस्टम क्या है। सो लैटरल एंट्री सिस्टम के तहत सरकारी विभागों में बिना परीक्षा विदाउट एनी एग्जाम अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। वैसे इसके लिए कुछ जरूरी योग्यताओं का होना जरूरी है। इसमें प्रमुख रूप से आयु सीमा, कार्य कुशलता, कार्य का अनुभव, शैक्षणिक योग्यता सहित तमाम योग्यताएं होनी चाहिए। लैटरल एंट्री के अंतर्गत उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। उसमें कोई आईएएस के एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कंपनी में अगर काम कर चुके हैं तो आइए कुछ कंडीशन रखे गए हैं, उसके बाद सीधा इंटरव्यू होगा और सीधा आपको जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी या डेप्टी सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। यह है मामला कि मतलब वहां न रिजर्वेशन न कोई प्रतिनिधित्व, कुछ भी नहीं, सीधा निजीकरण ब्यूरोक्रेसी का। और ये फर्ज कीजिए कि जो कंपनी में काम कर ब्यूरोक्रेट आएंगे वो कंपनी राज के लिए काम करेंगे कि जनता के हितों में ध्यान रखकर काम करेंगे, यह समझना बेहद ही जरूरी है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि लैटरल एंट्री सिस्टम कब आया, कैसे आया। सो ब्यूरोक्रेसी में नौकर लैटरल एंट्री का प्रस्ताव 2005 में आया था, लेकिन तब इसे अप्रूवल नहीं मिल पाया था। 2005 के बाद 2010 में भी लैटरल एंट्री सिस्टम की अनुशंसा रिकमेंडेशन की गई थी, लेकिन तब भी अप्रूवल नहीं मिल पाई।
हालांकि वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबुओं को निशाने पर ले रहे थे। 2016 में एक लैटरल एंट्री किस तरह से लागू हो इसके लिए एक कमिटी बनाई गई थी, और उस कमिटी ने कुछ सिफारिशें की थी। उस सिफारिशों के आधार पर जो है 2016 में लैटरल एंट्री लागू हुआ, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले देश में 1966 में प्रशासनिक सुधार लाने के लिए आयोग बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष मुरारजी देसाई बनाए गए थे। बाद में जब मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी जगह हनुमंथैया को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। हनुमंथैया की अध्यक्षता में समिति ने 20 रिपोर्ट बनाई और उसमें कुल 537 सुझाव दिए गए थे। इसके बाद 5 अगस्त 2005 को यूपीए सरकार ने फिर से प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। उस समय इस आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। इस समिति ने ही प्रशासनिक सेवा में लैटरल एंट्री का प्रस्ताव दिया था, जिसमें कहा गया था कि संयुक्त सचिव स्तर पर होने वाली भर्तियों में विशेषज्ञों को लेना चाहिए, भर्ती बिना परीक्षा के सीधे इंटरव्यू के आधार पर हो सकती है, चयन के मापदंडों के बारे में भी आयोग के द्वारा विस्तार से बताया गया था। उस समय भी समिति की सिफारिशों को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 2010 में रामचंद्रन की अध्यक्षता वाली एक कमिटी बनी। इन्होंने अपनी सिफारिशें सरकार के सामने रखी, जिसमें कई और सिफारिश 2005 की सिफारिशों को भी जोड़ा गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे खारिज कर दिया। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही इसे लागू कर दिया गया। इसमें क्या होता है, आप जाके देखिए, जो सरकारी दफ्तर में जो साथी काम कर रहे होंगे, इसमें जिस तरीके से काम होता है वो काम है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंटमेंट। यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू से चयनित ऑफिसरों को कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्ति दी जा रही है। काम अच्छा होने पर और परफॉर्मेंस बेहतर होने पर सरकार उनकी संविदा को, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को और आगे बढ़ा सकती है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है, जहां पे क्लर्क लेवल के भी बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं 15,000 रुपए में, 20,000 रुपए में। अगर सरकारी नौकरी रहती तो उसको 60,000 मिलता, लेकिन सोचिए आलम क्या है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के चक्कर में क्या क्या हो गया। सोचिए कि अब बाबू जो 60,000 पाते हैं वो 15,000 पर काम कर रहे हैं। चलिए अब उत्तर प्रदेश का मामला क्या है इसको जरा समझिए। उत्तर प्रदेश में पीसीएस के पदों पर लैटरल एंट्री का एक प्रस्ताव मुख्य सचिव ने दिया है, एक निर्देश जारी किया है, और उसके हिसाब से मुख्य सचिव है दुर्गा शंकर मिश्र ने कार्मिक विभाग को पीसीएस के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लैटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आईएएस की तर्ज पर भी लोकल ब्यूरोक्रेसी में, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री पर विचार कर रही है। इसमें पीसीएस अधिकारियों के 10% रिक्त पदों पर अन्य विभागों से स्थानांतरण, ट्रांसफर सेवा और लैटरल एंट्री के माध्यम से पेशेवर लोगों, प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति हो सकती है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कार्मिक विभाग को इस संबंध में विस्तार से प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया है। दूसरे विभागों व लैटरल एंट्री के जरिए पीसीएस के करीब 45 पदों पर नियुक्ति हो सकती है। मुख्य सचिव मिश्र लंबे समय तक केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालने के बाद राज्य में प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, और वर्तमान में जो अधिकारी हैं पीसीएस के, उसमें
जो सैंक्शन है 1577 हैं, इसमें से 448 पद रिक्त हैं। अगर 448 का 10% अगर ले तो आप सोच लीजिए कितना होगा, 45 पोस्ट के आसपास होगा जो कि प्रोफेशनल लैटरल एंट्री के द्वारा नियुक्ति की जा सकती है। इसका मतलब क्या है, आपके बच्चों के, आप जो ब्यूरोक्रेट सुन रहे हैं समझिए, आपके हकमारी हो रही है, प्रोफेशनल्स आएंगे उसमें आपके लिए कोई जगह नहीं होगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, सतर्कता गई दुर्घटना हुई, पूरा वीडियो देखिए, पूरा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जब पूरा जब यही लैटरल एंट्री से हो रहा है तो फिर विधायक और सांसद लैटरल एंट्री से क्यों नहीं आए, ये सवाल खड़े कीजिए चुनाव का समय अपने नेताओं से कि वहां भी प्राइवेटाइज कर दो, वहां भी लैटरल एंट्री से ले आओ, सेना भी लैटरल एंट्री करा लो, जो कुछ कराना है कराओ। तो एक तरीके जितनी संवैधानिक संस्थाएं जो पद्धतियां हैं उसको ध्वस्त करने की ओर यह एक तरह कदम है, इसका विरोध कीजिए। हम लोग लगातार इसके खिलाफ बोलते रहे हैं। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, पूरा वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।